दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। आज के मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 130 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए सोन विलियम्स ने सबसे ज्यादा 31 रनों की पारी खेली। उन्होंने 28 गेंदों का सामना करते हुए 3 बेहतरीन चौके लगाई। इसके अलावा ब्रैड इवांस ने 19 रन बनाई और क्रेग एरविन ने भी 19 रनों की पारी खेली। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और जिम्बाब्वे की पूरी टीम ने 130 रन बनाई और पाकिस्तान को जीत के लिए 131 रनों का टारगेट दिया। टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही। 23 रनों के अंदर ही पाकिस्तान ने 2 विकेट गंवा दिए। दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। कप्तान बाबर आजम ने 9 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाई। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 14 रन बनाई। शान मसूद ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाई। इफ्तिकार अहमद ने 5 जबकि शादाब खान 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हैदर अली तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इस प्रकार पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और पाकिस्तान ने 28 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए। उसके बाद बैटिंग करने मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान की पारी को संभाला और मोहम्मद वसीम के साथ मिलकर पाकिस्तान के स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद मोहम्मद नवाज भी आखिरी ओवर में आउट हो गई और आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी और लास्ट गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और शाहीन अफरीदी क्रीज पर थे। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन उस पर सिर्फ 1 रन मिल पाया और पाकिस्तान इस मुकाबले को 1 रन से हार गया। और इस प्रकार जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज कर ली और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। सो दोस्तों, इसी प्रकार के क्रिकेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।